बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर है, जाने माने, तो उनके साथ एक मूवी अभी कर रहा हूँ मैं। छोटा सा रोल है मगर मेरे लिए वो फर्स्ट बॉलीवुड का बहुत बड़ा एंट्री है। तो देखो दुआ में याद रखना, अभी तक तो आपने मेरे को इतना सालों से देख रहा हो, आपने मेरे को प्यार ही दिया है, और जब भी आता हूँ तो पहला तो बस अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। तो ऐसे बात मतलब विलेन का रोल है, मेरे को कोई हीरो का रोल देगा सौ बात की एक बात, हीरो का कोई बोलेगा कि हीरो, मेरे को विलन ही बनाएंगे क्योंकि हरकतें मेरी विलन जैसी है, हाँ तो विलन का ही रोल है उसमें। मगर बहुत बड़ा पिक्चर है वो, अभी नाम नहीं मैं कर सकता हूँ, मगर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा मेरे को। ए बाबा उधर क्या नाच रहे ले, इधर भी आओ ना, ए आइटम लोग तुम काय को उधर खड़े ले। अरे पहले बंदे को जांचने का, और भाऊ ने बोला नाचने का तो नाचने का। थैंक यू। क्या क्या, हाँ, उनको बहुत सारी ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि वो इंसान ने मेरे को बिग बॉस में जो प्यार दिया ना, जब मैं अकेला खुद को महसूस करता था, तो वही एक था जो वीकेंड के वार में आके मेरे को एकदम ताकत देता था। तो वो मैंने नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं, और काफ़ी लोग को मैं पूछा हूँ कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, तो वो मेरे को बोलते हम लोग भी नहीं देखा, तो अभी करे क्या। देख मेरा कैसे मालूम है, जिसको एक बार अपना मान लिया ना तो फिर जिंदगी भर फिर, और जो दिमाग में गया ना वो फिर भी जिंदगी भर फिर ऐसा है। मैंने अभी मैं अभी और तीन सॉन्ग कर रहा हूँ, दो वेब सीरीज कर रहा हूँ, एक बॉलीवुड कर रहा हूँ, हो जाएगा थोड़ा थोड़ा आपके आशीर्वाद से। देखो हम तो मज़े ही करते, तेरे को मालूम है कितना टाइम से मालूम है, फुल धमाल ही करता है मैं, वो मेरा सॉन्ग रहने दो किसका भी, किसी का भी सॉन्ग रहो, रात हो गया बेटा है तो फिर लगना मांगता है गाना, हाँ ऐसा है। नहीं 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 बस बस क्या होता है मालूम है, जो चीज़ें जिसको करनी है ना, जिसको नॉलेज है वो करेगा अच्छा लगता है ना। अभी कैसे इन लोग प्यार से बोलते हैं कि भाऊ ये थोड़ा सा बोल दो, तो थोड़ा सा बोल देता है मैं, मगर जिसका वो काम है ना सिंगिंग का वही करेगा तो अच्छा लगता है ना। महल था, महल जिसमें हम लोग ने किया ना वो महल था किसी का, बहुत जबरदस्त था वो, बहुत जबरदस्त था। हाँ शूटिंग के दौरान यानी मेरे को आज भी याद है, 19 तारीख को मैं सुबह पहुँचा और मैं शाम को मेरी शूट चालू थी, और रात को 11:30-12 बजे में मेरे घर से कॉल आया कि माँ की तबीयत बिगड़ गई, तो रातों रात मैंने वो छोड़ के निकल गया था, तो वो एक हादसा मेरे साथ हुआ था, तो रातों रात मैं छोड़ के सुबह के फ्लाइट से निकल गया था, वो एक अच्छा एक हादसा हो गया था, बाकी सब उधर सही था। हाँ जी उसी दिन 19 को था ना अपना, 19 को था, और मैं 20 के सुबह की फ्लाइट पकड़ के इधर आ गया, क्योंकि उनसे बढ़कर नहीं ना कुछ, जब बिग बॉस छोड़ के आए उनके लिए तो फिर ये क्या चीज़ है, उसके लिए दुनिया छोड़ देंगे। हाँ बहुत अच्छे फैजल भाई,
बहुत अच्छा सपोर्ट किए, बहुत अच्छा। यानी उनके साथ मैंने जब पहला गाना किया था, उन्होंने ये किया था, तब मेरे को एक्टिंग विक्टिंग मालूम नहीं था, तो वो गाना था वो पैक का है, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था, बाबू ऐसा कर सकते आप टेंशन मत लो, आप कैसे कर सकते। तो वो करने के बाद मेरे को उनके साथ घर जैसा रिश्ता हो गया। वो फिर गजाला भाभी उनकी वाइफ और एक शोएब करके अपना जो प्रोड्यूसर है, बच्चा अपना छोटा भाई है, वो भी सपोर्ट किया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं उनके साथ मुंबई मचान किया, फिर स्ट्रॉबेरी किया, और भी फ्यूचर में बहुत सारा ऐसा सोचा है, करेंगे। देखो हाँ, इसमें क्या हुआ, ये अभी आपने बोला ना, ये करोड़ों की बात बोला, इसमें बहुत लोगों ने ना अपनी दुकानें चला रहे वहाँ पे, हाँ वही तो बोल रहे, बहुत सारे लोग ना अपनी दुकानें चला रहे। और सच में अगर जो सच में किसान है ना, जिसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये लोगों के वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये लोगों के वजह से, क्योंकि जो ये कुछ वीडियो ऐसे वायरल हो रहे ना, जो दिखाया जा रहा है कि किसानों के बीच कोई ऐसे, अभी मैं फिर अपना मेरा जब आता है इधर तो फिर मुंह से निकल जाता है, हाँ नहीं वो तो है, मगर बहुत ऐसे एक आया था सेलिब्रिटी, दो कौड़े की औलाद है, औकात है उसकी, जिसने बहुत गंदा स्टेटमेंट दिया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ऐसे बहुत सारे आए थे, बहुत सारे, जिसके वजह से आंदोलन ना खराब हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये किसानों को इंसाफ मिले, सरकार सुने उनका, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता है, ये है तो हम है, ये है तो हमारे घर में आज ना अनाज आना चाहिए, पर ना नहीं हो सकता है ना, तो इनका इनका जो जितना हो सके इनको सपोर्ट करना चाहिए सरकार ने। मगर कुछ लोग ना अपनी दुकानें चला रहे, रोटियां सेक रहे, उनके वजह से तकलीफ हो रही है, और कुछ नहीं। क्या आप दिल्ली जाना चाहोगे? क्यों जाऊँ मैं भाई? उसके लिए अगर आपको बुलाया जाए? देखो आपको पहली बात तो एक बात बताता है कि मेरे अकेले से ना कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जितने बेटे ना दुकान खोल के, वो दुकान खोल के जितने बेटे ना, वो किसी को आने नहीं देंगे, वरना अगर मेरे को अगर किसी ने बुलाया ना किसान के लिए, तो मैं पहला खड़ा होएगा उधर, पहला जाएगा। बोलना चाहिए ना, अभी आप मेरे को बोलते हो, कुछ लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं भाऊ गाली देता है, अरे गाली देता है ना, किसको गाली देता है, मैं किसको गाली देता है, हमारी माँ बहने क्या रास्ते पे पड़ी है क्या कि कोई भी उसको गाली देगा, पर हम सुन के लेगा, ठीक है मैं गाली देता है ना, तेरे को लगता है मैं गाली देना छोड़ता है, तू तेरे तरीके से समझा, MBBS है ना तू, समझा, इंजीनियर है ना तू, समझा ना, अगर तेरे बोलने से अगर वो सामने वाला सुनता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी के माँ बहन को गाली देना, मगर वो समझते ही वैसे तरीके से, तो मैं क्या करूँ, फिर समझाना पड़ता है मेरे को, झाड़ू लाल के मोर बनाना पड़ता है, बनाता हूँ फिर, तो फिर समझ जाते हैं। अभी टोटल पाकिस्तान के बड़े से बड़े 48 यूट्यूबर थे, जिनके 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन ऐसे बड़े बड़े सब्सक्राइबर थे, 48 में से 2 जन बाकी है, 46 ने अपनी दुकान बंद कर ली, उनको मालूम ये एड़ा कल ना गाड़ी में बैठेगा, जय हिंद दोस्तों बोलेगा और फिर कुरकुरे खिलाएगा, अगर देश के खिलाफ बोलेंगे ना इनके, तो ये फिर ऐसा करेगा, तो किसके वजह से बंद हुआ, मेरे वजह से ना, उनको बोलना हमारा तिरंगा जलाना बंद कर, मैं गाली देना बंद करेगा, उनको बोलना हमारे देश के बारे में बोलना बंद कर, मैं बोलना बंद करेगा, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है, मगर सुनते ही तरीका वो, तो फिर क्या करूँ, बोलना पड़ता है ना जी। आप बोलेंगे तो पार्टी करेंगे, अगर सरकार इजाजत देगी 11 के बाद तो माँ कसम पार्टी करेगा, मगर नहीं देना 11 बजे बंद, 10:30 बजे घर पे पहुँचने का, इसके लिए आज कानून का रिस्पेक्ट करके जितना हो सके हम छोटा मोटा अपना प्रमोशन करके, आप खाना भी ना खाओ घर पे जाओ।
हाँ कि ये पहला तो ये पन हुआ थी ना 2020 जाने दो, हाँ 2020 जाने दो, और नए साल की आप सबको, आप जितने भी है, क्योंकि आप एक ना ये देश का बहुत बड़ा ना आंख है, आपके वजह से दुनिया दिखती है। तो पहला तो आप लोगों को और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहो आप लोग। हाँ एक ही तो मेरा डार्लिंग है, सबको मालूम है वास्तव। हाँ तो वास्तव से आपने अपनी लाइफ में भी वास्तव की चीजें आपने डाल ली हैं, उसका स्टाइल सजर का चेन सोने की? नहीं 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 नहीं, उसका स्टाइल उसका चेन ऐसा कुछ नहीं। मैं जब ना 13-14 साल का था ना, तब से मेरे माँ बाप ने मेरे को लाड़ प्यार से बड़ा किया, तब से पहनता है। फर्क इतना ही होगा कि वो मेरे को अच्छा लगा तो लोगों ने बस एक स्टैम्प मार दिया कि संजय दत्त का स्टाइल मारता है, वो डार्लिंग है अपना, अच्छा लगता है मेरे को। टाइटो कहाँ से पड़ा भाव? खाली भाव? खाली भाव नहीं, जो आपका रियल नेम जानते हैं, रियल नेम क्या है आपका, जो भाव कैसे पड़ा ये? हाँ जब पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 47 जवान शहीद हुए थे, पता है आप लोगों को ना? हाँ शहीद हुए थे। जब उनके घर वालों को उनका किसी का एक उंगली मिला, किसी का तो पूरा बॉडी नहीं मिला, खून जमा करके वो बाल्टी में डाल के अंतिम संस्कार किए थे, तब मैंने देखा था कि वहाँ के लोग कितना मजाक उड़ा रहे अपने देश का, यूट्यूबर बड़े से बड़े, और यहाँ जो शरीफ लोग बैठे वो, हाँ हमको क्या करना है। तब वहाँ पे एक इंसान का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी भाव। तब से मैं इनके पीछे लगा, वो आज तक लगाओ, जो भी गलत करेगा मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मैं परवाह भी नहीं करता है। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया तो मेरे से ऊपर बैठा एक नेता क्या बोलेगा, ये भाव बोलने का नहीं। और आज ये भाव जो बोलता है ना, वो करोड़ों